आई होप आप सब ठीक होंगे। और दिन की शुरुआत हो गई है ट्यूसडे से, आज है दिन मंगलवार का और हमारा नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया है और गर्मी इतनी हो रही है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, काम करने को भी मन नहीं करता। और यहाँ पे बना ली मैंने अपनी चाय, आज ही आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। आज मैं डायरेक्ट नाश्ता करके दिखा लूँ आपको, बना लिया था मैंने, आज कुछ नहीं बनाया, बस थोड़े से चावल फ्राई किए थे। चलिए मेरी वीडियो में आगे तक बने रहिए दोस्तों। चाय पी लिया दोस्तों, अब चलते हैं अपनी ड्यूटी पर जो हमारी रोज़ की किचन की ड्यूटी होती है। अपन आई हम लंच, क्योंकि 11 बज गए हैं, हस्बैंड भी जाएंगे स्कूल में और देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। सोच रही थी कढ़ी बनाऊंगी पर कढ़ी बनाने पर टाइम लगेगा, तो मैंने बैंगन छील लिया है, छील के बनाऊंगी बैंगन और मसाले डाल लूँगी। सब्जी में कुकर रख दिया है गैस पर। और जी मैंने ले लिए थे यहाँ पे 2 टमाटर प्लेट में और सारा मसाला डाल दिया था, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था मैंने। और बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ सब्जी मैं, थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाऊंगी क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी को भी सब्जी देनी होती है। यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई थी, सब्जी भी बन गई थी और ये रात मैंने दही जमाई थी जग में, तो ये मैं थाली लगा लूँगी। अब थाली में मैंने रोटी, दही और सब्जी रख ली थी, थोड़ा सा घी डाल दिया था, गर्म हो रहा था यदि घी। रोटी को गर्मा गर्म दे दूँगी हस्बैंड को। ये देखिए थाली तैयार हो गई थी मेरी लंच की, और इधर हस्बैंड भी खा के चल दिए थे स्कूल में अपने, क्योंकि उनका स्कूल पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। और हस्बैंड चले गए स्कूल, मैं आ गई हूँ इसी वाले कमरे में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज भी 12 बज गया, टाइम देख लीजिए, इस टाइम वो चले जाते हैं। दोस्तों मैं तो लेट गई थी, रात जैसा अंधेरा हो गया है, ऊपर जाके देखा कि बहुत तेज बादल आ रहा है ये देखिए, और बारिश आएगी बहुत तेज, क्योंकि 3-4 दिन से ना दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और कपड़े उतार लूँगी मैं फटाफट से, मैंने सुबह के टाइम भी बादल आया था तो मैंने यहीं पे रख दिए थे कपड़े, वो तो मेरी आँख खुल गई। चलो मेरे कपड़े बच गए, कपड़े नहीं भीगे, अब रख दूँगी मैंने रैंक को ही खिसका दूँगी, अभी थोड़ी देर वो सूख जाएंगी। हवा चल रही है बहुत तेज, और देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कितनी तेज़ बादल आ रहा है। और दोस्तों ऊपर से आ गई थी मैं, कोई भी बारिश नहीं आई, आंधी सी आके सारा बादल उतार के ले गई आंधी। और अब मैं आ गई नीचे किचन में, बनाऊंगी मैं दाल चावल, क्योंकि सुबह बच्चों ने रोटी खाई थी तो बोल रहे थे मम्मी हम दाल चावल खाएंगे आज, तो मैंने यहाँ पे भिगा लिया दाल, अब इसे धो लूँगी मैं। पानी आ रहा है, 5 बजे पानी आ जाता है बिजली में, तो मैंने मोटर चला दिया, अब दाल धो लूँगी मैं। और आज मैं दोस्तों आपके साथ चना दाल की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं चना दाल कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने चना दाल ले लिया, भिगा ली थी मैंने 1/2 घंटा पहले, भिगाने से और जल्दी अच्छी बन जाती है। अगर साथ के साथ बनाते तो भी 4-5 सीटी लगानी पड़ती है, पर बन जाती है जब भी, और भिगाने से और भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो भिगा लिया मैंने दाल और इसमें डाल दूँगी मसाले वगैरह जैसे मैं बनाती हूँ। मसाला ले लिया है मैंने सारा, और यहाँ पे ले लिया मैंने 2 टमाटर चॉप करके दाल में डाल दूँगी। और मैंने दाल कुछ ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैंने सुबह के नाम की भी बनाई है, थोड़ी सी कुछ सूखी सब्जी हो जाएगी, और दाल चावल के साथ तो ज़्यादा ही लगती है। यहाँ पे मैंने हल्दी ले लिया, धनिया पाउडर, मसाले हम पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार है, और कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाले। मिर्च डाल दिया और धनिया पाउडर, और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी इसमें, और लगा देंगे इसमें सीटी, हींग का तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। लगा लूंगी इसमें 4 सीटी में, और यहाँ पे मैंने बच्चे को चावल लेने के लिए भेज दिया था क्योंकि मैंने उसे बोला था कि 3 किलो चावल लिया ना, पता नहीं कैसा चावल लिया है, जैसे डबाल डबाल से चावल नहीं थे, मोटे मोटे वाले, तो यहाँ पे करने में सीटी लगी है मेरे, तो मैंने उसे वापस करने के लिए भेजा है कि इससे अच्छे वाले चावल दे खाने में, जो बारीक चावल और सॉफ्ट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कितना पसीना आ रहा है, मैं कम कर लेती हूँ थोड़ी सी, बैठ गई मैं अपनी फेवरेट जगह पर, और ये देखिए पसीने कितने आ गए आपके दोबारा। और यहाँ पर मैंने दाल में 4 सीटी लगा ली थी, और ये देखिए कितनी अच्छी टेस्टी दाल बनी थी, और बिल्कुल गल गई थी ये, और थोड़ी सी गाढ़ी थी, मैंने हल्का सा पानी लगा दूंगी इसमें, केतली में गर्म करके डाल दूंगी। यहाँ पर निचोड़ लिया मैंने 1 नींबू, 1 नींबू से अच्छे बनते हैं चावल, आप बना के देखिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी, प्याज ब्राउन हो गई है इसमें, लगा देंगे अभी देगी मिर्च का तड़का, गैस को कर देंगे
टेबल और केयरफुली इसको डाल देंगे दाल में। तो देखिए कितनी टेस्टी बनी है दाल। और लड्डू गोपाल जी को भी आरती दिखा दूंगी, शायद पंखा चल रहा होगा उधर, थोड़ी सी देर में पूजा की है, पसीने पसीने करोगे, पंखा बंद कर लेती हूँ पहले, चौका भी चल रहा है और कमरे का भी। लड्डू गोपाल जी को इधर ही बैठाते हैं, उनका टेबल है ये अलग से। जय बाल गोपाल, लड्डू गोपाल होते रहते। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे राम कृष्ण। और चावल देखिए मेरे कितने अच्छे बने, एक एक दाना अलग अलग हो गया। और यहाँ पे लगा लिया मैंने बच्चों का खाना, बैठ गए हैं चौक में सारे, चौकड़ी जमा के। तो जाऊंगी ऊपर में। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ मंगा ली थी क्योंकि आज सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हरा धनिया, आम है और नींबू, अरवी, टमाटर, शायद अभी 120 रुपए किलो ही है क्योंकि हस्बैंड लेके आए हैं आधा किलो, तो इसका मतलब 120 ही होंगे। अगर 60-70 होते तो एक किलो ले आते, मैं तो जा गई नहीं आज क्योंकि बोलने लगे कि तू ऊपर ही घूम ले। और ये घिया लगा दूँगी सब्जी को फ्रिज में यहाँ पे, क्योंकि आज देखिए पूरा खाली फ्रिज है, कुछ भी नहीं है फ्रिज में। और दोस्तों अब जाऊंगी मैं ऊपर घूमने के लिए, बच्चों को खाना दे दिया, बर्तन वगैरह सब कर दिया किचन में, और बाहर बैठे हुए हैं सारे चौक में, ये देखिए सारे बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं। और वीडियो में नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं अकेली रख दिखती हूँ आपको। कोई ना एक दिन तो आएंगे जब कुछ अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी, तो बच्चों को लालच ही रहता है वीडियो बनाने का, अपना आना शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगेगा कोई बात नहीं, मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।